अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमियम पर्सनल मंथली बजट की। अगर आप जो है वो मंथली बजट जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, पर्सनल मंथली बजट, तो एक्सेल से जो है वो इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जो है वो हर चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अपना जो है वो रिहाइश वगैरह, खाना पीना, ये सारी चीज़ें आप जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें, मैंने जो है वो यहाँ पर एक सैम्पल लिया, तो सबसे पहले यहाँ पर्सनल मंथली बजट ऐड है, उसके बाद है प्रोजेक्टेड मंथली जो है वो इनकम उनकी लिखी हुई है, इनकम मान जो है वो इतनी है, एक्स्ट्रा इनकम टोटल जो है वो ये इनकम है। इसके बाद जो है वो प्रोजेक्टेड बैलेंस है यहाँ पे लिखा हुआ शो किया गया, एक्चुअल बैलेंस और डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल मंथली इनकम नीचे देखें, यहाँ पर जो है वो डिवाइडिंग हमने की है पर्सनल जो है वो मंथली बजट की, कितना कितना जो है वो किस में स्पेंड हुआ है। अगर मैं हाउसिंग की बात करूं तो ये देखें, रेंट है, फ़ोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस जो हाउसिंग में यूज़ हुआ है वो देखें 41 है सब टोटल अगर किया तो। तो इस तरीके से आप जो है वो मंथली बजट को बना सकते हैं एक्सेल से। ये देखें सारी चीज़ें उसने ऐड की है, केबल की बात करूँ प्रोजेक्टेड कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट लिखी है और डिफरेंस देखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इंटरटेनमेंट की, तो वो आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो डीवीडी जो है प्रोजेक्टेड कॉस्ट क्या है, आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है और डिफरेंस क्या है। इसके बाद सीडी मूवीज़ हैं, उसके बाद कंसर्ट्स हैं, स्पोर्टिंग है, अदर है, लाइव थिएटर है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपकी इंटरटेनमेंट में। यहाँ पे आ गया ट्रांसपोर्टेशन कि आपने जो है वो कि व्हीकल वगैरह यूज़ किया, बस, टैक्सी, इंश्योरेंस वगैरह, फ्यूल कितना यूज़ हुआ है, प्रोजेक्टेड कॉस्ट आपने सिंपल यहाँ पर एंटर करनी है, वो आप जो है वो यहाँ से इस तरीके से एंटर कर सकते हैं जिस तरह मैंने एंटर किया। इसके बाद एक्चुअल कॉस्ट जो है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं जिस तरीके का आप जो है वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे लोन्स कितना लिया आपने, पर्सनल लोन्स आपने कितना लिया, प्रोजेक्टेड कॉस्ट लिखनी है, एक्चुअल कॉस्ट लिखनी है और डिफरेंस लिखना है। स्टूडेंट में जो है वो कितना लॉस जो है वो लोन लिया, क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है या उससे लोन लिया है वो यूज़ कर लिखना है, अदर है और सब टाइट जो है वो सब टोटल्स आपने नीचे ऐड कर देना टोटल वैल्यू। यहाँ पे इंश्योरेंस है कि होम के ये इंश्योरेंस आप लिखे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ, अदर एक्टिविटीज़ इंश्योरेंस वगैरह, उसकी जो है वो सेम प्रोसेस है कि प्रोजेक्ट और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो उसको ऐड करना है। यहाँ पर टैक्सीज के रेट्स वगैरह, फेडरल जो है वो उनकी कॉस्ट क्या है, स्टेट, लोकल, अदर वगैरह, एक्चुअल कॉस्ट वगैरह आप जो है ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस उनका जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस एक्सेल से। उसके बाद बात की यहाँ पे फूड है, जिसमें ग्रोसरीज आ जाती हैं आपकी जो है वो डाइनिंग आउट है, उसके अलावा जो है वो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो आपने ऐड करनी है, सेम प्रोसेस है। सेविंग ऑन है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वो आप देखें, जिसमें रिटायरमेंट अमाउंट है, इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये सारी चीज़ें। पेट्स हैं, अगर पेट्स की बात करूँ वो आपने देखना है, जिसमें आपका जो फूड जो है मेडिकल, उसके बाद जो है ग्रूमिंग, टॉयज, ये सारी चीज़ें। गिफ्ट एंड डोनेशन हैं, जिसमें चैरिटी में जो है वो आपने हेल्प आउट किया था लोगों को, नीडी पीपल को, वो आपने ऐड करना है कितना आपने जो है वो किया। ये मंथली बजट है जिसमें टोटल जो है वो आपने ए टू जी खर्च किया होता है। आप जो है वो यहाँ पर डाटा एंटर करके जो है वो सब टोटल कर लेते हैं कि मेरा जो है वो इस मंथ जो है वो इतना बजट स्पेंड हुआ है इन चीज़ों में। इसके बाद पर्सनल केयर है, जिसमें मेडिकल आ जाता है, हेयर नेल्स आ जाते हैं वो क्लीन करने होते हैं, क्लोथिंग है, ड्राई क्लीनिंग है, हेल्थ क्लब है, अदर एक्टिविटीज़ है, यहाँ पर लीगन है, अटर्नी है, एलिमनी है और पेमेंट्स हैं और लाइन और जजमेंट है, ये सारी चीज़ें करके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एंटर किया टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो इतनी बनी है, टोटल एक्चुअल कॉस्ट जो है वो हमारे पास इतनी थी और टोटल डिफरेंस क्या है $41। इस तरीके से आप जो है वो अपना घर का या टोटल बजट ए टू जी पर्सनल मंथली बजट जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है, एक सैम्पल है मेरे पास पर्सनल मंथली बजट का। तो उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।